नमस्कार प्रणाम आप सभी ऑपरेटर भाइयों को। मैं बबलू कुमार ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन के संस्थापक, और आज हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से हर ऑपरेटर को इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर ऑपरेटर काम करते वक्त कोई गलती कर ही देते हैं, और गलती ना करे सुधार कैसे किया जाए, और ऑपरेटर का जो पेमेंट फंस जा रहा है, जो ऑपरेटर को एक सही समय से वेतन नहीं मिल रहा है, जो ऑपरेटर को दुर्घटना होने पर उनके परिवार को एक आर्थिक सहायता नहीं मिलता है, इसके खिलाफ एक सख्ती कदम जो संस्था है एक दिशा निर्देश लागू किया है, उसको पालन करना हर ऑपरेटर को अनिवार्य है। क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, हम पूरा इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो हम चलते हैं अपना लैपटॉप स्क्रीन पर और आप लोग को दिखाते हैं। ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन द्वारा ऑपरेटरों हेतु आवश्यक सूचना दिशा निर्देश। निम्नलिखित निर्देश। ऑपरेटरों को सूचना देना आवश्यक होगा कि वह कौन सा मशीन ऑपरेट कर रहा है, किस दिनांक से एवं किस मालिक के पास कितने रुपए मासिक वेतन पर कार्य कर रहा है। निर्धारित फॉर्म अ। निर्धारित फॉर्म अ का मतलब है कि यह एक आधिकारिक दस्तावेज है जो किसी सरकारी या गैर सरकारी संगठन द्वारा प्रयोग होता है, और उसमें निर्दिष्ट जानकारी या निर्देश भरने की आवश्यकता होती है, को पूर्ण रूप से भरकर संस्था को ईमेल करें या संस्था के पते पर भेजें। ऑपरेटर कार्य के दौरान अचानक आपातकालीन छुट्टी लेना चाहता है तो इसके लिए मालिक ठेकेदार कंपनी को एक प्रार्थना पत्र उनके कार्यालय में या ईमेल के द्वारा सूचना आवश्यक रूप से दे तथा इसकी जानकारी संस्था को भी दे। यदि ऑपरेटर 15 दिन से अधिक की छुट्टी अवकाश लेकर घर जाना चाहता है तो इसकी जानकारी मालिक को 15 दिन पहले सूचना आवश्यक रूप से लिखित में दे तथा अपना संपूर्ण कार्य का वेतन कंपनी मालिक ठेकेदार से लेकर जाए तथा इसकी जानकारी संस्था को भी दे, अन्यथा संस्था इसकी जिम्मेदार नहीं होगी। ऑपरेटर काम के दौरान मशीन में आई तकनीकी खराबी को ठीक करने के लिए इंजीनियर और हेल्पर के साथ मिलकर मशीन को ठीक करे। केवल हेल्पर के भरोसे मशीन को न छोड़े, मशीन आपकी पूर्ण जिम्मेदारी है। ऑपरेटर दिन में केवल 8 घंटे ही काम करे, इससे ऊपर कार्य करने पर उसे ओवरटाइम के रूप में माना जाएगा, जिसका पैसा प्रति घंटा के हिसाब से आपका होता है, जिसे आपको अपने मालिक या कंपनी अथवा ठेकेदार से पैसा का मांग करे। अगर इस बात पर कोई भी कंपनी मालिक या ठेकेदार इस बात से मना करता है तो आप इसकी जानकारी संस्था को जरूर दे। यदि मशीन मालिक कंपनी या ठेकेदार के द्वारा ऑपरेटर को कोई गलत एवं झूठा आरोप लगता है या उसे प्रताड़ित करता या उसके मान सम्मान को क्षति पहुंचाकर उसके साथ अन्याय करता है, तब ऑपरेटर संस्था से तत्काल संपर्क करे। ऐसे मालिक कंपनी या ठेकेदार पर उचित कार्यवाही किया जाएगा। ऐसे ठेकेदार कंपनी मालिकों पर ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन कानूनी कार्यवाही भी करेगी व ऑपरेटरों को उसके नुकसान का भरपाई भी करवाएगी। ऑपरेटर मशीन चलते समय अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी ना करे, इसे मालिक कंपनी या ठेकेदार के साथ साथ सबको नुकसान होगी, इसे जान का भी खतरा हो सकता है। ऑपरेटर पूरे तन मन से जिस जगह पर काम करते हैं उसे पूरे लगन से काम करे ताकि आपको समय समय पर वेतन भी मिलते रहे, तो इससे मालिक कंपनी या ठेकेदार भी खुश रहेंगे और हमें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑपरेटर और ओनर के बीच अपना एग्रीमेंट साइन जरूर करवाए, अन्यथा संस्था कार्यवाही करने में असमर्थ होगी। संस्था में बने रहने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 माह में 500 का धनराशि जमा करना आवश्यक है ताकि आपका आईडी कार्ड का रिन्यूअल हो सके और संस्था भी मजबूती से आप सभी ऑपरेटर भाइयों का मदद करते रहे। ऑपरेटरों से निवेदन है कि किसी प्रकार की नुकसान मालिक कंपनी या ठेकेदार को न दे, जैसे कि डीजल की चोरी अथवा मशीन की किसी पार्ट्स को बेचना। संस्था ऐसे ऑपरेटर पर कार्रवाई करेगी, ऐसा व्यक्ति को संस्था के सदस्यता से निकाला जा सकता है तथा ऐसा गलती करने वाले के ऊपर ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन कठोर कार्रवाई भी कर सकती है। हर ऑपरेटरों के पास लाइसेंस होना अनिवार्य है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप अपने जिले में आरटीओ ऑफिस में जाकर अपना लाइसेंस जरूर बनवाए। अधिक जानकारी के लिए आप संस्था से भी संपर्क कर सकते हैं।
अगर कोई ऑपरेटर छुट्टी में घर जाना चाहता है और मालिक आपसे पूछता है ऑपरेटर रखने के लिए, तो इसकी सूचना पहले आप संस्था को दे ताकि अन्य ऑपरेटर साथी जो इस संस्था से जुड़े हैं उनको उस मशीन पर भेजा जा सके। इसे ऑपरेटर साथियों का भी मदद होगा। आप सभी ऑपरेटर साथियों से निवेदन है कि उपरोक्त सभी निर्देश को गंभीरता पूर्वक पालन करें। जो अभी आप लोग एक समझौता देखें, हर ऑपरेटर को पालन करना अनिवार्य है और आप सभी ऑपरेटर भाइयों से बताना चाहते हैं कि हम मालिक के लिए भी एक समझौता लाने वाले हैं और आ चुका है, लेकिन उसके लिए अब हम नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाएंगे जब उसमें मालिक के लिए भी समझौता डाला जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन, और साथ दीजिए, साथ चलिए ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन से जुड़िए, उसका सदस्य ग्रहण करिए, आईडी कार्ड जरूर बनवाइए। जय हिंद, जय भारत, ऑपरेटर एकता जिंदाबाद।